चैनल गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर महान। तो सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा अपने 139 सब्सक्राइबर से कि मैंने वीडियो बहुत ही लेट पोस्ट की है। तो उसका कारण ये था कि मैं साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आया तो बहुत सारे इधर उधर के काम आ गए थे, तो उनकी वजह से वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो गई। और गाइस, मैं वापस आ गया था साउथ अफ्रीका से 8 जनवरी 2022 को। तो हमारी फ्लाइट जो चली थी वो चली थी 6 जनवरी शाम को जोहान्सबर्ग से। 4 घंटे हमारी फ्लाइट ले लिए केनिया पहुंचने तक, और उसके बाद केनिया से हमारी फ्लाइट थी न्यू दिल्ली वाया अहमदाबाद। केनिया में हमारा जो लेओवर था वो तकरीबन 13 से 14 घंटे का था, जिसकी वजह से ना ही मेरा व्लॉग शूट करने में कोई इंटरेस्ट बना और ना ही मैंने प्रॉपर उसके बाद ज़्यादा व्लॉग शूट किया। तो इस व्लॉग में सिर्फ यही है कि एक मेरी जर्नी है, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बनाना है मैंने खुद के लिए भी, एक यूट्यूब के लिए भी। तो बस यही है इसमें कि मैं साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गया था ओमिक्रॉन के टाइम, जब इंटरनेशनल ट्रैवल बैन लगा हुआ था। तो कोई भी फ्लाइट जोहान्सबर्ग से साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट नहीं चल रही थी इंडिया के लिए, हमें इनडायरेक्ट रूट लेके आना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, थोड़ा सा देखिए वीडियो को। कुछ ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस बार कि मैं क्या शूट करूं, क्योंकि वही प्लेन्स हैं, वही सफ़र है, वही खाना पीना सब कुछ वही, और ऊपर से इतने लंबे लेओवर के बाद आपका दिल भी नहीं करता कि आप कुछ शूट करो, थक जाते हो। और केनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना भी अच्छा नहीं था, एक अच्छे बस स्टैंड के बराबर उसकी आप कंपैरिजन कर सकते हो, बट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली फील नहीं थी वहाँ पे। देखो आप प्लीज़ वीडियो देखें आगे, देखो अगर आपको कुछ ठीक लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि नए चैनल को ग्रो करने के लिए आप सबकी हेल्प की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ वॉच द वीडियो। तो गाइस यहाँ पे होता है हमारा सफ़र शुरू इंडिया के लिए जोहान्सबर्ग से ओमिक्रॉन के टाइम के दौरान। 6 जनवरी का दिन है ये 2022 और काफ़ी बारिश हो रही थी। तो हम निकल रहे हैं ओआर तांबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी गाड़ी में। तो सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद ओआर तांबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोहान्सबर्ग के हम जा रहे थे अपने बोर्डिंग गेट की ओर। काफ़ी खाली खाली सा था एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शन ओमिक्रॉन की वजह से, और इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से तकरीबन 50% शॉप्स वहाँ पर ऑलरेडी ही क्लोज थी, सिर्फ कुछ गिफ्ट शॉप्स और कॉफ़ी शॉप्स ही खुली थी खाने पीने का सामान वगैरह। तो गाइस ये केनिया एयरवेज का छोटा सा एरोप्लेन था जो हमें लेके जाने वाला था साउथ अफ्रीका से केनिया नैरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ी हैरानी वाली बात थी कि मैंने इतने छोटे छोटे प्लेन कभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी नहीं देखे। इंडिया में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती हैं तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, और वो भी तकरीबन 4.5-5 घंटे की। तो बड़ी हैरानी हुई मुझे देख के कि हाँ, इतना छोटा सा एयरप्लेन भी इंटरनेशनली लेके जाएगा। तो भाई बोर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है, तो आखिरकार फाइनली हम निकलने लगे साउथ अफ्रीका से। तो अभी बस हम जा रहे हैं अपने जहाज़ की तरफ, तो मिलते हैं आपको जहाज के अंदर। बड़ा छोटा सा जहाज है। जहाज में हमारी एंट्री होगी, बड़ा छोटा सा जहाज है ये। दो रो इधर है, दो रो इधर है, बड़ा छोटा सा जहाज है, पहली बार एक्सपीरियंस हो रहा है ये मेरा। तो भाई बाय बाय साउथ अफ्रीका, मिलते हैं फिर दोबारा बहुत महीनों बाद। तो गाइस केनिया एयरवेज में बोर्ड होने के बाद हमारा एक्सपीरियंस ना ही कुछ अच्छा था और ना ही कुछ ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था, एक डिसेंट एक्सपीरियंस था हमारा। और जो फूड था इनका, फूड अच्छा था और स्वीडिश भी इनकी बहुत अच्छी थी, और आप देख के कह सकते हो कि काइंड ऑफ इंडियन फूड था। और एक बड़ी स्ट्रेंज बात हुई है, पता नहीं ये सबके साथ होती है, पता नहीं मुझे ही फील हुई है, आज तक मैं जिस भी एयरलाइंस में गया हूँ और फूड अच्छा हो ना हो, कुछ भी उनका मेन कोर्स कुछ भी अच्छा हो ना हो, बट स्वीडिश हमेशा हमेशा ही एयरप्लेन्स में फ़्लाइट्स में बहुत बढ़िया होती है। कमेंट करके बताओ, लाइक करके बताओ अगर आपका भी ये सेम एक्सपीरियंस हुआ कभी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नैरोबी। नैरोबी है केनिया में, तो हम केनिया में पहुंच चुके हैं। तो अब हमारा लेओवर है तकरीबन 12 घंटे का, तो यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से अभी बज रहे हैं 11,
और 10 बजे के हिसाब से यहाँ पे हम पहुँच गए थे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से। और अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो कल सुबह की है, कल दोपहर की है 1 बजे की, तो कल 10-11 बजे चेक इन शुरू होगा, तो हम कल चेक इन करेंगे। और यहाँ पे केनिया एयरपोर्ट मतलब उसकी हालत ऐसी है कि यहाँ पे ना प्रॉपर लाउंजेस हैं, अगर लाउंजेस भी हैं वहाँ पे, यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा एयरपोर्ट है, ना बैठने की प्रॉपर सुविधा है। बट ये हमें यहाँ पे एक प्रॉपर रिक्लाइनर से मिल गए थे बैठने के लिए, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं, अदरवाइज़ बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी 12 घंटे इसी पे गुजारने पड़ेंगे बड़ी मुश्किल से, देखते हैं अभी कैसे गुजारते हैं टाइम, थोड़े नहीं होते भाई 12 घंटे। चलो अभी कोशिश तो मेरी यही है कि अभी हम सो जाएं यहाँ पे जैसे तैसे, तो बाकी मैं सुबह ही दिखाऊंगा आपको सारा कुछ। यहाँ पे मोस्टली अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% शॉप्स भी बंद है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर चीज़ डॉलर्स में है। कंपनी अफ्रीका की, ये घाटे में है, इनकी इकोनॉमी डाउन है, बट ये डॉलर्स में ऑपरेट करते हैं, कोई छोटी मोटी करेंसी नहीं लेते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं सुबह। तो गाइस फाइनली 12 घंटे के लंबे ले ओवर के बाद हम यहाँ से केनिया से फ़्लाइट बोर्ड कर गए थे एयर इंडिया की, जो चलने वाली थी केनिया से लेकर दिल्ली वाया अहमदाबाद। तो इतना थक गया था मैं 12 घंटे 13 घंटे के लेवल के बाद कि मेरा दिल ही नहीं किया शूट करने का। बट हाँ, डेफिनेटली एयर इंडिया की सर्विस और खाना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, इतना ज़्यादा उन्होंने अच्छा क्वालिटी का फूड हमें सर्व किया कि सारे बंदे सर्विस से इम्प्रेस थे। और ये कुछ रैंडम शॉट्स हैं जो इंडिया तक मैंने लिए थे, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया था इतना थक जाने के बाद कि मैं व्लॉगिंग करूँ। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर की। मैं इतनी बड़ी बड़ी डिमांड, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स वाली डिमांड नहीं रख रहा कि आप इसको शेयर करें, फैला दें, व्हाट्सएप पे भेजें, इधर उधर भेजें, नहीं, इतनी बड़ी डिमांड हम अभी नहीं रख रहे। अगर आने वाले फ्यूचर में इतने हमारे सब्सक्राइबर्स हुए तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके देख लेंगे, बट जरूर इस चैनल को कंसिडर करें। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अच्छी बाइक राइड्स देखने के लिए मिलेंगी। मैंने रिसेंटली एक बाइक भी ली है, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, तो एक मेरी ड्रीम बाइक थी, तो आने वाले टाइम पे आपको उसके बहुत सारे मोटो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू सो मच।